हम कई मीटिंग्स कर चुके हैं पिछले 5-6 साल में। चुनाव के पहले आया करते थे और यहाँ इतना दुख और इतना लोग इतने दुखी होते थे, अपनी समस्याएं बताते थे, हम गारंटी देते थे और कोई अंत नहीं था समस्याओं का और कोई दुखी होने का। उसके बाद हमारी सरकार बनी, धीरे 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 जब हमारी सरकार बनी इतनी सारी समस्याएं थी 75 साल की, 75 साल में इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और पंजाब के लोग एक तरह से चक्की होती है, चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस रहे थे, एक कैप्टन और एक बादल, इन दोनों के बीच में पिस रहे थे। पर विकल्प नहीं था, कोई ऑल्टरनेट नहीं था, किसके पास जाते, एक बार बादल एक बार कैप्टन, एक बार इससे नाराज एक बार इससे नाराज। फिर ऊपर वाले ने कुछ कृपा की और इस देश के अंदर एक नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। पहले दिल्ली के अंदर सत्ता आई, उसके बाद पंजाब के अंदर दिल्ली की महक आई कि दिल्ली में बड़े अच्छे काम हो रहे और पंजाब में आप लोगों ने जिम्मेदारी दी। सरकार बनने के बाद भी इसी हॉल में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। जब आते थे तो शुरू शुरू में उम्मीदें इतनी ज्यादा थी, लोगों को लग रहा था बस सरकार बन गई अब 24 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों को समझाते थे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, करते 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 आज लोगों के अंदर खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग खुश नजर आ रहे हैं, उद्योगपति खुश नजर आ रहे हैं, व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। कई सारी, मैं ये नहीं कह रहा समस्याएं सारी दूर हो गई, अभी बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं दूर करनी है, लेकिन आज लोगों के चेहरे पे खुशी है। वो कह रहे हैं सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी ये बाकी है। और जिस तरह से समीर जैन साहब भावुक हुए, उनको देख के मैं भी भावुक हो गया। मुझे भी लगा वो उनकी फीलिंग्स थी, वो उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की। जिस तरह से और सभी दुग्गल साहब, शर्मा जी, मैं देख रहा था, नोट कर रहा था मैं कई सारे, जिस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, सबने कोई बनावटी नहीं कर रहा था, सब अपने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि आज जिस तरह से हम दो मुख्यमंत्री आपके सामने बैठ के आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समाधान भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा केवल सुन के चले जाएंगे, जितनी बार आए हैं आपकी समस्याएं, 100 समस्याएं देते हैं, हम कोशिश करते हैं सारा समाधान करने की, कुछ रह भी जाती हैं उनका भी समाधान होगा। आज भी आपने जितनी समस्याएं दी हैं उनका भी समाधान होगा, लेकिन क्या 75 साल में कभी किसी सरकार ने इस तरह से बैठ के आपके साथ बातचीत की? नहीं की। उन्होंने कभी आपको अपने बराबर समझा ही नहीं। पहली बार एक सरकार आई है जो इस तरह से आमने सामने बैठ के बात कर रही है आपकी समस्या। हम आपकी इज्जत करते हैं, पुरानी सरकारें आपको चोर समझती थी, पुरानी सरकारें समझती थी व्यापारियों से जितना चूस सकते हो चूस लो। आपकी याद कब आती थी? उनको चुनाव में याद आती थी। किस लिए याद आती थी? डोनेशन के लिए याद आती थी। अपने लोगों को भेजती थी, ये पार्टी भी भेजती थी, वो पार्टी भी भेजती थी, इस मार्केट से इकट्ठा करके ले आओ, उस मार्केट से इकट्ठा करके ले आओ, इस एसोसिएशन से इकट्ठा। हमने कभी नहीं भेजा आपसे पैसे इकट्ठे, कोई आया तो नहीं पैसे लेने आम आदमी पार्टी वाला? हमने कभी नहीं भेजा, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए जो आज तक हमें मिलता रहा है। पिछले 2 दिन से मैं पंजाब में घूम रहा हूं। कल हम लोगों ने 165 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, एक साथ 165 मोहल्ला क्लिनिक, कोई छोटी बात नहीं होती। 75 साल में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना। मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? एक सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पंजाब के पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का क्या हाल होता था, मैं और भगवंत मान जब घूमा करते थे चुनाव के दौरान, एक दिन एक गांव में गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाहर हमने गाड़ी रोकी, सारे कमरे लॉक पड़े हुए थे और कुत्ते घूम रहे थे वहां कॉरिडोर में। ये था हाल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब मोहल्ला क्लिनिक जाके देखो, अभी दुग्गल साहब ने बताया वो गए थे मोहल्ला क्लिनिक। आप में से कितने लोगों ने देखा है मोहल्ला क्लिनिक? कितने लोग गए? अच्छा था कि नहीं था? अच्छा है कि नहीं है? किसी को लगा कि गड़बड़ है? शानदार मोहल्ला क्लिनिक, एयर कंडीशन, अंदर मॉड्यूलर फर्नीचर, टैब लेके बैठी हैं वहां पे हमारी बहनें और वो उसमें रजिस्ट्रेशन करती हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर आप दवाई लेने जाते हो, सारी दवाइयां फ्री और इतना बढ़िया अंदर वातावरण, लगता नहीं है कि सरकारी महकमा है, लगता है कि फोर्टिस या मैक्स या अपोलो अस्पताल के अंदर आ गए, इतना शानदार।
829 मोहल्ला क्लिनिक केवल 2 साल के अंदर बनके तैयार हो गए, पूरे पंजाब के कोने कोने के अंदर लेके जाएंगे। अगर आप लोग मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हो, इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं सारे अमीर लोग हैं, भगवान ने काफी कुछ दिया आप लोगों को, अगर आप लोग भी अपना इलाज मोहल्ला क्लिनिक में करा रहे हो, ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है हमारा कि शानदार है मोहल्ला क्लिनिक। अब सारे अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं। आज हमने 13 नए स्कूलों का उद्घाटन किया, स्कूल ऑफ एमिनेंस। आज लुधियाने के अंदर कौन सी जगह थी वो, इंदिरापुरी के अंदर हमने लुधियाने में एक नए ऐसा शानदार स्कूल, उस स्कूल में मैं चैलेंज करता हूं, अगर उस स्कूल में जितनी फैसिलिटीज है, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला वैसा स्कूल बनाएगा, कम से कम 10 से 15 हजार रुपए महीने की फीस रखेगा। हर क्लासरूम के अंदर शानदार मॉड्यूलर फर्नीचर है, बच्चों के डेस्क हैं, उसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, क्लासबोर्ड स्मार्ट बोर्ड है, वहां पे एक बास्केटबॉल कोर्ट है, एक लॉन टेनिस है, स्विमिंग पूल है, सरकारी स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है। कभी देखा था सरकारी स्कूल में? पूरे पंजाब में एक भी प्राइवेट स्कूल बता दो जिसमें सरकारी स्विमिंग पूल होगा। मैं आज चैलेंज करता हूं, हम वहां पे बच्चों से मिले, वहां पे कई बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के आए हुए थे, पेरेंट्स से मिले, कई पेरेंट्स ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल प्राइवेट से कटा के सरकारी स्कूल में। यहां पे अमृतसर के अंदर 4 स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा, एक बार जरूर देख के आना। नहीं, अब तो 4 खुल गए हैं। पहला जो बना था अमृतसर में बना था, और उसके बाद अब 3 और आज उद्घाटन हो गया, 4 अमृतसर के अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस सरकारी स्कूल। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक बार मेरे कहने से, केजरीवाल रिक्वेस्ट कर रहा है, एक बार मेरे कहने से अगले हफ्ते के अंदर आप अलग अलग स्कूल ऑफ एमिनेंस देख के आना। जहां आज आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका मन करेगा आप अपने बच्चे को प्राइवेट से नाम कटा के सरकारी स्कूल के अंदर भर्ती करा दें। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति में पुण्य कमाने के लिए आए हैं, धर्म के हिसाब से काम करने के लिए आए। ये मौका दिया ऊपर वाले ने, मैं क्या था, मैं कुछ भी नहीं था, एक मामूली सा अफसर था, उसके बाद मैं दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के अंदर काम किया करता था, नौकरी छोड़ दी थी मैंने बहुत पहले। भगवंत मान क्या था, एक कलाकार था। ये तो आप लोगों का प्यार, पता नहीं पिछले जन्म में कुछ हमने पुण्य कमाए होंगे, आप लोगों ने इतना प्यार दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी हम लोगों को, 7 जन्मों के अंदर भी आपका एहसान नहीं पूरा कर सकते हम लोग। तो जितना मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की, और जितना आज आप जब बोल रहे थे और आप कह रहे थे कि हमारा ये काम भी हो गया, अब ये बाकी है, सुकून मिल रहा था कि यार जिन लोगों ने हमारे ऊपर इतना एहसान किया उनका कुछ तो किया हम लोगों ने। आप खुश रहें, यही हमारी इच्छा है। बहुत सारी पॉइंट्स आज हम लोगों ने नोट किए हैं, एक खासकर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बोला है पेमेंट की बड़ी दिक्कत आती है व्यापारियों को, कि पेमेंट फंस जाती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मुझे खुशी है किसी ने बताया, यहाँ पे दुग्गल साहब ने बताया कि गुजरात में भी तेलंगाना में भी कुछ उन्होंने पुलिस का एक विंग बनाया। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि इसको थोड़ा एग्जामिन करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी सहूलियत दी जा सके। और बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी, एक चीज आपको नोट करनी चाहिए, सबसे बड़ा फर्क पुरानी सरकार और हमारी सरकार के अंदर एक ही है, नीयत का। हमारी नीयत साफ है। अगर हमें पैसे कमाने होते भाई साहब, आज हम इस हॉल के अंदर नहीं बैठे होते। जब मेरे पास मुख्यमंत्री के तौर पे फाइल आती है, उस फाइल पे मैं देखता हूं, अगर मेरे मन की नीयत खराब है, मैं ये देखता हूं इसको कैसे मैं कितने पैसे कमाऊं। जैसे अभी सवेरे लुधियाना में थे, वो प्लास्टिक वाला मुद्दा वहां पे आया कि जी वो जो इसके 120 माइक्रोन तक का प्लास्टिक का वो है, वो दिल्ली में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया और यहां पे पंजाब में क्यों नहीं कर रहे। अगर हमारी नीयत खराब होती यहां पे हम बिल्कुल अनाउंस नहीं करते, उसके बाद हम किसी को भेजते प्लास्टिक यूनियन वालों के पास, वो यूनियन वालों के पास जाता, कहते पैसे इकट्ठे करके लाओ, सारे यूनियन से पैसे इकट्ठे होते, एसोसिएशन से पैसे इकट्ठे होते, उसके बाद 120 माइक्रोन को करने का हम पैसा लेते।
हमारी नीयत साफ है। दो मिनट लगे, दो मिनट वही लुधियाने के अंदर अनाउंस कर दिया, हाँ जी हो गया, कल से हो जाएगा। तो हमारी नीयत साफ है, एक एक पैसा आज पंजाब के खजाने का, एक एक पैसा आप लोगों के भले के ऊपर खर्च हो रहा है, आप लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है। इसीलिए इतने मोहल्ला क्लिनिक, इतनी सड़कें, इतना सब कुछ बन रहा है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने खूब प्यार देके 117 में से 92 सीट दी थी हम लोगों को, आज इसी वजह से हमारी सरकार बनी हुई है। नहीं तो रोज ये बीजेपी वाले कभी किसी एमएलए, कभी किसी एमएलए को, अगर आपने हमें 60 सीट दी होती, 65 सीट दी होती, भाई साहब अभी तक ये सरकार गिर चुकी होती, तोड़ चुके होते ये लोग, गिरा चुके होते, जैसे हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है, और इतने राज्यों में देख ली। ये तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, 92 सीट्स दी थी, अब ये आने वाले चुनाव के अंदर एक 13 की 13 सीट दे दीजिए। इसलिए नहीं कि 13 सीट मुझे इसलिए नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे अपने बच्चे कहीं सेट करने हैं या भगवंत मान को अपना परिवार सेट करना, हम ठीक ठाक हैं। 13 सीट इसलिए चाहिए कि हमें ताकत चाहिए, पॉलिटिकल ताकत मिलेगी तो हम उनसे लड़ पाएंगे। आज अकेला भगवंत मान बीजेपी वालों से लड़ रहा है, गवर्नर से लड़ रहा है, केंद्र सरकार से लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है ये। अगर इसके 13 सीट दोगे, ये 13 हाथ हैं इसके, 13 हाथ बन जाएंगे, वो दिल्ली में बैठ के आपके लिए लड़ेंगे। आज 8,000 करोड़ रुपया पंजाब का रोक रखा है केंद्र सरकार ने, 8,000 करोड़ रुपया आ जाए, आप सोचो कितने और काम हो सकते हैं। अगर ये 13 इसके पास अकेले के पास कितना टाइम है, ये चंडीगढ़ में भी बैठता है, पंजाब में भी घूमता है, दिल्ली भी जाएगा, कितना टाइम है? अगर आप 13 सीट दे दोगे, वो 13 के 13 दिल्ली बैठे रहेंगे, उनकी नाक में दम कर देंगे, छाती पे बैठ के सारा पैसा लेके आएंगे आप। तो जैसे आपने पहले आशीर्वाद दिया था, वैसे अब आपका आशीर्वाद चाहिए, 13 की 13 सीट आप दे दीजिए, ताकि पंजाब की जो गति चल रही है विकास की, ये और बहुत तेजी से चल सके। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।